काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को, देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेप्लेक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लीड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समथान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालाँकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालांकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज जो है इनकी सहेली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो घुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरा ज्ञानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीना टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली डेलीसॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के, अंद, के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फ़िल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनो गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समथान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़ी विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनू गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरागयानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रविंद्र टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ सपथाम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवीरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो से नम वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्स सिनेब्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालाँकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालांकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकरस ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है खासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरा ज्ञानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र ट्डन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली डेलीसॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस आपसे ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओर पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेब्स के ऊपर देखने को मिलें और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लीड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालाँकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालांकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो घुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र ट्डन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली डेलीसॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविराटेंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी याद आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सैनम आप वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को इन्जॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फ़िल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टैन आउट ऑफ फोर फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनो गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनू गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रविंद्र टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ सपथाम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस आपस्य ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर आप वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेब्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ सम और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालांकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है खासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र ट्डन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी याद आपसित ताजा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फ़िल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में इसे रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टेन आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूटूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेब्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोए गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छी ना लगती हो या फिर मुझे अच्छी ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहेली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बेनू गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीना टंडर हैं इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्थान ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवि अटेंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नडा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी 2024 में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओर पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टैन आउट ऑफ फोर फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोए गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रेने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो दो में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि क्यों काफ़ी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींदा टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संथाम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवि टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को इन्जॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलगू कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओर पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूटूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्स सिनेब्स के ऊपर देखने को मिलें और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ सम और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालाँकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पारिविक ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरा यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीद्र ट्डन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली डेलीसॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवि टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को इन्जॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में इसे रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फ़िल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टेन आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेब्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालांकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरा ज्ञानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीना टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्थान ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवि अटेंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सैनम आप वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नडा बंगाली और मराठी ऐसी अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फ़िल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिलें और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लीड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है खुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवीरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओर पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टैन आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेब्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लीड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल हालाँकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पारिविक ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो घुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़ीवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरा ज्ञानी के पार्थ जो समस्थान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र ट्डन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली डेलीसॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविर अटेंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी याद आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टैन आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूटूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनो गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज जो है इनकी सैली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रोटीवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी है उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीना टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ सपथाम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर आप वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार चौबीस में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ टी पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोए गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रेने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालांकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पारिविक ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल हालांकि सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकरस ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बेनु गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र ट्डन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवि टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी याद आपस्य ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टैन आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूटूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेप्लेक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रविना टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवाहिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवि टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फ़िल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनो गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रेने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़ी विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पैरल तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनू गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रविंद्र टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ सप्ताम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवीरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो से नम वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिलें और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल हालाँकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी की पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी क्यों बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र ट्डन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फ़िल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फ़िल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टेन आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूटूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलड सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोए गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छी ना लगती हो या फिर मुझे अच्छी ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरा ज्ञानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीना टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवाहिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्थान ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो से नम आप वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टैन आउट ऑफ फोर पॉइंट फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोई गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो दो में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूटीवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफी पढ़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींदा टंडर हैं इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संथाम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलगू कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास हैं आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेब्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लीड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ सम और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर मैं देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल के जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पारिविक ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहेली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल हालांकि सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वस वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरा ज्ञानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि क्यों काफ़ी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रविना टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवाहिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली डेलीसॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवि अटेंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी याद आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फ़िल्म को इन्जॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ़ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टैन आउट ऑफ फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूटूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूटूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर्ड सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनो गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेडी कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशहाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रेने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स से उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या खास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हाल हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज जो है इनकी सैली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूटीवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो, वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिराग यानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीना टंडन है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ सपथाम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भावों के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावनात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह आई हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका का काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो से हम वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पांच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूँगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है गुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है वो अभी तक की टर्न आउट ऑफ 4.4 फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फिल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मूवी आपको YouTube पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको YouTube पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट्स जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से YouTube पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमामा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टीवी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेबक्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समथान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्सन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या ख़ास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पहाड़ी ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहल गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो 2023 में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो गुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जातीय विवाद पर रूढ़िवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल की सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकरस ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मजा आता है खासकर वो वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मजा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनो गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़छुड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चीरा ज्ञानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफ़ी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवीना टंडर है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली शॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संपताम ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहराया जाना चाहिए और पार्ट सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी इनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रवीना टंडन और संजय दत्त की नाइनटीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को एंजॉय करिए काफ़ी साल पहले दोस्तों रवीना टंडन और संजय दत्त हमें साथ में देखने को मिले थे लेकिन अब फाइनली वो आ चुके हैं एक साथ में और इनकी कमाल की मूवी आ चुकी है जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और दोस्तों आप भी अगर इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी के अंदर मिलेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ दोस्तों फिल्म काफ़ी बढ़िया है और इसे फाइनली हिंदी के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है ना ही सिर्फ हिंदी में आई है बल्कि इसे तमिल तेलुगु कन्नड़ा बंगाली और मराठी ऐसे अन्य पाँच भाषा के अंदर भी रिलीज़ कराया है तो चलिए इस मूवी के बारे में जानते हैं इसका रिव्यू यहाँ पर मैं आपको दूंगा साथ ही मैं आपको कुछ फैक्ट भी मैं आपको फिल्म के बारे में बताने वाला हूँ तो चलिए बात करते हैं इस शानदार फिल्म के बारे में तो फिल्म का नाम दोस्तों है घुड़चड़ी दो हज़ार में से रिलीज़ कराया गया है और ये मूवी हमें डायरेक्ट देखने को मिली है ओ पे फिल्म के अंदर आपको रोमांस ड्रामा देखने को मिलता है वहीं इस मूवी की जो आई रेटिंग है अभी तक की टर्न आउट ऑफ फोर पॉइंट फोर की है बाकी जो गूगल यूज़र है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लाइक मिले हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पाँच में से ढाई की रेटिंग दी हुई है अब बात करते हैं कि फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है और क्या यूट्यूब पर आएंगी या फिर नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको यूट्यूब पर अभी देखने को नहीं मिलेंगी लेकिन हाँ ये फ्यूचर में आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है क्योंकि इस मूवी के राइट जो है जियो सिनेमा के पास है आपको पता ही होगा कि जियो सिनेमा की मूवीज़ हमें आसानी से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर जाकर आप इसे हिंदी में देख सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज़ कराया गया है हिंदी में आप लोग इस कमाल की मूवी को जियो सिनेमा पर देख सकते हैं और कुछ टाइम बाद ये मूवी आपको टी पर देखने को मिलेंगी और काफ़ी चांस बनते हैं कि ये आपको कलर सिनेब्स के ऊपर देखने को मिले और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोई गांधी ने अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड में पहले कुछ मूवीज़ दे रखी थी लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो भी जो है वापस आ चुके हैं और ये फिल्म भी दोस्तों वो लेकर आए हैं इनकी लास्ट मूवी थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जो कि काफ़ी अच्छी है आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं वो भी शायद आपको अच्छी लग सकती है अब फिल्म की कास्ट के बारे में बात करेंगे और इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो फिल्म के अंदर लेड कास्ट है संजय दत्त इसके अलावा रवीना टंडन पार्थ समान और खुशाली कुमार अरुणा ईरानी अचित कौर रिने आर्या ऐसे बहुत सारे किरदार दोस्तों आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं और सबका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो सिनेमा पे ये मूवी जो है फ्री में अवेलेबल नहीं है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो प्रीमियम प्लान पर रिलीज़ कराया गया है मतलब अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो ही आप इसे वहाँ पर देख पाएंगे लेकिन वो इतने महंगे नहीं है लगभग उसकी प्राइस मंथ की जो है वो ट्वेंटी नाइन रुपीज़ है अगर आप मंथली जो है वो जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही सस्ता है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुकाबले और जियो सिनेमा ऐसे ही कमाल के कॉन्टेंट दोस्तों लाता रहेगा साउथ की भी अब नई नई मूवीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग जो है जियो सिनेमा की जो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छी डील आपके लिए हो सकती है चलिए दोस्तों आप जानते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि फ़िल्म के अंदर क्या कहानी आपको देखने को मिलती है क्या ख़ास आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है हालांकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग बुरा बता रहे हैं तो सब लोग यहाँ पर जो है ख़ुद का ही ओपिनियन दे रहे हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि आप जो है डायरेक्ट इस मूवी को देख लीजिए क्योंकि तो हो सकता है कि आपको जिस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है वो उन्हें अच्छे ना लगती हो या फिर मुझे अच्छे ना लगती हो क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको यही बताऊँगा जो कि इस फिल्म के अंदर है हालाँकि मैंने इस मूवी को देखा है और कहानी तो काफ़ी अच्छी लगी है और मूवी के अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के बारे में तो पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता ही होगा कि साउथ के अंदर और बॉलीवुड के अंदर अब पारिवारिक ड्रामा मूवीज़ जो है इनकी सहली गायब हो चुकी थी लेकिन अब से जो है वो दो में करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर ऐसी ही जो फिल्म है इनके अंदर पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों के साथ प्यार को जोड़ा गया था अब जो घुड़चड़ी भी इसी तर्ज पर है और अंतर जाते विवाद पर रूढ़ीवा विचारों के कारण दो प्रेमी अलग हो जाते हैं और सालों बाद उनके बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं अब क्या होता है जब नए प्रेम और पुराने प्रेमी एक ही समय में मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं ये दोस्तों इस फिल्म का मुख्य स्टोरी होता है हाल सर के सर की कहानी आपको पहले तो देखने को नहीं मिली होगी थोड़ी यूनिक कहानी यहाँ पर मेकर्स ने बनाई है जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है ख़ासकर वो रस, वो सारे सीन दोस्तों देखने में आपको मज़ा आएगा जहाँ पर हीरो और हीरोइन मिलते हैं लेकिन उनका बेटा और बेटे भी जो एक दूसरे को पसंद करते हैं बीनू गांधी द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और घुड़चड़ी उनकी पहली फिल्म आप कह सकते हैं और वह अपने परिवेश को अच्छी तरह से स्थापित करने में सफल भी रहे हैं शर्मा परिवार नई दिल्ली में रहने वाले कट्टर धनी पंडित होते हैं और कुल माता कल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी का मानना ये होता है कि एक ही जाति विवाह जो है इनकी सफलता में एक बहुत बड़ा निर्धारक होता है उनके पोते चिरागानी के पार्थ जो समथान है इन धारणाओं पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि काफी बड़ा लिखा होता है लेकिन क्या अभी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के अतीत को देखते हुए उसके साथ अपनी जो खुशहाल जिंदगी है इनको जी पाएगा क्या उसके पिता वीर यानी कि संजय दत्त आखिरकार अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो अपने जीवन साथी हैं उनसे मिल पाएंगे और अभिनय के लिहाज से जो रवींद्र ट्डर है इनका मैनका के रूप में यहाँ पर बेहतरीन काम है और अभिनेत्री इस पारिवारिक ड्रामा के अंदर रोमांस में एक भी गलत नोट नहीं मारती है और एक डेली डेलीसॉप की तरह ही यहाँ पर वो जो है हर एक फ्रेम के अंदर मिलियन डॉलर की तरह ही दिखती है पार्थ संस्था ने यहाँ पर साबित कर दिया है कि वे भावनात्मक दृश्यों को अच्छी तरह से निभा सकते हैं लेकिन कॉमेडी और चीजी लाइंस डिपार्टमेंट में वे थोड़ा लड़खड़ाते हैं इसके अलावा इसमें जो बेसवार लेखन और दोषी ठहरा जाना चाहिए और पार्थ सही बॉलीवुड भाव के साथ अच्छे अच्छे डांसर भी हैं और खुशली कुमार भी यहाँ पर भावात्मक दृश्यों में अच्छे लगते हैं संजय दत्त को आप जानते ही कि वो हमेशा की तरह ही हर मूवी के अंदर अच्छा ही करते हैं और मूवी के अंदर इस मूवी के अंदर भी उनका काम बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में और भी दोस्तों यहाँ पर आपको किरदार देखने को मिलता है जिन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है अगर आप लोगों ने रविरा टंडर और संजय दत्त की नाइन्टीज़ की मूवीज़ देखी है तो फिर आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए आपकी यादें आपस से ताज़ा हो जाएंगी और आपको ये अच्छी भी साइड लगे तो चाहिए जियो सिनेमा पर वहाँ पर जाकर इस कमाल की फिल्म को इन्जॉय करिए